हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, YSNM कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा क्लास है वो UG सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है, और UG सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 9 है, जिसका कोड C9 है और पेपर का नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंतर्गत हम लोग आज यूनिट 5 की चर्चा करेंगे, जिसमें हमें लाइन और स्टाफ एजेंसी के बारे में पढ़ना है कि ये स्टाफ एंड लाइन एजेंसीज क्या है, जिसको सूत्र और स्टाफ हिंदी में कहते हैं, ये क्या है और एक संगठन में इनका क्या योगदान होता है। क्योंकि ये और ये जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन उसका एक पार्ट है, उस पार्ट के अंतर्गत एक सब टॉपिक है, आने वाला एक सब टॉपिक है। और एक संगठन में सूत्र और स्टाफ का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसके दोनों में क्या अंतर है, इसकी क्या इसमें सावधानियां रखनी चाहिए, सामान्य स्टाफ क्या है, साथ ही साथ जो तकनीकी स्टाफ होते हैं वो क्या हैं, सहायक स्टाफ क्या हैं, इन सब की चर्चा जो है हम लोग बृहद रूप में आज के क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले यह समझने की कि स्टाफ और संगठन की जो संरचना होती है उसमें, उस संरचना में सूत्र और स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ जो है वो क्या है। तो विलोबी ने सरकार की दो प्रकार की क्रियाओं के बारे में बतलाया है, और पहली जो क्रियाएं हैं वो है प्राथमिक या कार्यात्मक, तथा दूसरी जो है वो संस्थात्मक या संस्थागत या गृह प्रबंध से संबंधित होती है। और उन्हीं के शब्दों में सामान्य प्रशासन की समस्या की विशिष्ट प्रकृति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी सेवाओं के प्राथमिक या कार्यात्मक तथा संस्थागत या गृह संबंधी कार्यकलापों को के आधारभूत अंतर को समझा जाए। और प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें कोई सेवा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करती है, और संस्थागत क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध विभाग के मुख्य उद्देश्य से ना होकर ऐसे बातों से होता है जिनका पूरा किया जिनको पूरा किए बिना विभाग का काम नहीं चल सकता है। और इस अंतर को और भी स्पष्ट करते हुए बिलोबी ने कहा है कि इस प्रकार मुख्य जो क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रियाएं तो स्वयं उद्देश्य हैं, जबकि संस्थागत क्रियाएं उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन होती है। सूत्र प्राथमिक और जो संस्थागत क्रियाओं में अंतर के आधार पर अभिकरण में भेद किया जाता है, और अभिकरण जिसको इंग्लिश में एजेंसीज कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो सूत्र, और दूसरा जो होता है स्टाफ, इसको इंग्लिश में लाइन और स्टाफ कहते हैं। मोटे तौर पे यह कहा जाता है कि सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्यों को संपन्न करता है, और इसके विपरीत स्टाफ अथवा कार्मिक अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के गृह प्रबंधन से संबंधित प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है। और इस तरह से लाइन और स्टाफ शब्द को सैनिक प्रशासन की शब्दावली से ग्रहण किया गया था, और सेना में दो प्रकार की इकाइयां होती हैं, एक सूत्र या लाइन इकाई और दूसरा स्टाफ इकाई। सूत्र इकाई में वे लोग आते हैं जो युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देते हैं और उनको संचालन एवं नेतृत्व करते हैं। इनके पास वास्तविक शक्ति होती है, ये सेना के मुख्य उद्देश्य जो विजय प्राप्त करना होता है की प्राप्ति का कार्य करते हैं, और इन अधिकारियों को लाइन या सूत्र अधिकारी के नाम से हम लोग जानते हैं। और वे पदाधिकारी जो पद सोपान की श्रृंखला से संबद्ध रहते हैं, उदाहरण के लिए किसी भी सैनिक संगठन में सर्वोच्च शिखर पर सेनाध्यक्ष होता है, उसके बाद उसके निचले क्रम के जनरल, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट इत्यादि जो हैं होते हैं।
तो इस तरह से एक सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले सेनाध्यक्ष होगा, उसके बाद जो बाकी के जो होंगे जनरल जनरल कर्नल मेजर कैप्टन लेफ्टिनेंट और जो और भी सेकंड लेफ्टिनेंट जो होते हैं वो लोग भी होते हैं। तो ये एक क्रम है, एक सीक्वेंस बना हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन युद्धरत जो सेना है के लिए डाक अखबार उसके बाद दवाइयाँ हथियार गोला बारूद इत्यादि की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अतिरिक्त इनके लिए डाक अखबार पत्रिकाएं आदि का प्रबंध करना पड़ता है और इन सब चीज़ों की देखभाल जो है वो स्टाफ इकाई करती है। स्टाफ इकाई स्वतः युद्ध नहीं लड़ती परंतु सेना के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में, जिसको युद्ध की का मुख्य उद्देश्य क्या है, विजय की प्राप्ति में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। इनकी सहायता के बिना युद्ध जो है वो नहीं किए जाते और इन्हीं को जो है वो स्टाफ एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो संगठन कोई भी होता है उसके अंतर्गत उसमें दो तरह के जो है एजेंसियाँ पाई जाती हैं जिनको हम एजेंसी के नाम से जानते हैं। और एजेंसी भी दो अभिकरण होते हैं। तो उसमें एजेंसीज के जो दो प्रकार होते हैं उनमें से एक होता है सूत्र और दूसरा होता है स्टाफ। सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि सूत्र के अंतर्गत वे लोग आते हैं, वे अधिकारी आते हैं जो सेना को ऑर्डर देते हैं कार्य करने के लिए कि किस तरह से उनको कार्य करना है, किस तरह से हमला करना है। और ये कंसेप्ट पहली बार जो है स्टाफ एंड लाइन का जो इस कंसेप्ट है ये सैनिक सेना से ही जो है वो हम लोगों ने इसको पब्लिक लोक प्रशासन के अंतर्गत इसको हमने लिया है। तो वो लोग होते हैं, तो वो लोग भी उन लोगों का भी एक क्रम होता है, जैसे कि सीक्वेंस होता है हायर से लोअर की तरफ का। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जो जनरल हैं कर्नल हैं मेजर हैं लेफ्टिनेंट हैं सेकंड लेफ्टिनेंट हैं और इस तरह से सबसे ऊपर जो है सेनाध्यक्ष होता है और उसके बाद जो बाकी के लोग होते हैं। इनके अलावा भी जब युद्ध होता है तो बहुत सारी ज़रूरतें जो होती हैं उन लोगों की, उनको पूरा करने के लिए जो है कुछ संगठन में कुछ और भी लोगों को रखा जाता है और वो लोग जो हैं इनकी सुख सुविधाओं या उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और इस तरह से युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से इनको हेल्प करते हैं और उन्हें ही हम लोग स्टाफ एजेंसी कहते हैं। और इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टाफ एजेंसी और जो लाइन एंड स्टाफ एजेंसी की शुरुआत सेना की जो सेना से शुरू हुई, सेना शब्द जो है युद्ध में जो भाग लेने वाले लेते थे उनसे सैनिक प्रशासन की एक शब्दावली है और उससे इसकी शुरुआत हुई है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सूत्र और स्टाफ की धारणा जो है सर्वप्रथम मैंने जैसा कि बताया सैनिक संगठन में प्रचलित हुई थी तथा उस कल्पना को नागरिक संगठन और प्रशासन पर भी लागू किया गया बाद में। और सूत्र और स्टाफ जो हैं वो पृथक क्रियाएं और दोनों मिलकर भी दोनों पृथक पृथक काम करते हैं और इनमें जो है निम्नलिखित अंतर होता है। इनमें क्या अंतर होता है पहले हम उसको देख लें कि स्टाफ का संबंध जो है वो सूत्र के प्रतिकूल परामर्श देने तथा नियोजन से है और सूत्र का संबंध कार्यों को करने से होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर होता है इनमें कि स्टाफ अधिकारियों तथा स्टाफ इकाइयों एवं सूत्र अधिकारियों और सूत्र इकाइयों के माध्यम से दूसरा भेद यह भी बताया गया है कि स्टाफ अधिकारी और स्टाफ इकाइयां सत्ता अथवा आदेश देने की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं और वे केवल परामर्श देते हैं तथा सहायता करते हैं। और इसके विपरीत सूत्र अधिकारी और सूत्र इकाइयां आदेश देने का कार्य करती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो है इनमें अंतर की सूत्र क्रियात्मक और स्टाफ जो होता है वो संस्थात्मक जो है संस्थागत जो होता है उसका स्वरूप होता है। चौथा जो है कि सूत्र का कर्तव्य है लक्ष्य को प्राप्त करने से है तथा स्टाफ का जो लक्ष्य होता है वो अपने कर्तव्य के सूत्र को लक्ष्य को प्राप्त करने में योग्य बनाने के लिए जो उसका सहयोग होता है वो होता है। उसी तरह से स्टाफ सदा पृष्ठभूमि में रहता है,
वह निर्णयों के लिए भूमि तैयार करता है परंतु स्वयं निर्णय नहीं करता है। निर्णय करने की समुची शक्ति सूत्र अधिकारियों के हाथों में होती है और सूत्र अभिकरण के व्यक्ति सामने के कार्य जो है वो करते हैं। इसके बाद जो अंतर है इसमें कि सूत्र के कार्य प्राथमिक रूप से होते हैं जिसके लिए सरकार का अस्तित्व होता है तथा स्टाफ का कार्य विभागों की सार्थकता को बनाए रखने से होता है। नेक्स्ट जो इसमें अंतर देखा गया है कि सूत्रों के कार्य साध्य और स्टाफ के कार्य साधन होते हैं और स्टाफ का मुख्य संबंध अनुसंधान करने, तथ्य मालूम करने एवं उनका संग्रहण करने, योजना बनाने तथा सूत्र अधिकारियों को मदद करने से होता है। नेक्स्ट जो है कि सूत्र का कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है जबकि स्टाफ का कार्य नीतियों के निर्माण में केवल सहायता करना होता है। तो ये जो है इसका प्राचीन जो है इसके डिफिनिशंस के बारे में हमने इसको जाना कि ये सूत्र और स्टाफ जो है वो क्या है। तो सूत्र और स्टाफ जो है किसी भी देश की जो सरकारी प्रशासन होती है कि बड़ी बड़ी कोई भी देश में अगर आप देखें तो देश में बड़े बड़े प्रशासन के बड़ी बड़ी इकाइयां होती हैं में विभाजित होता है और जिन्हें हम क्या कहते हैं विभाग करते हैं, डिपार्टमेंट का नाम उसको दिया जाता है और इन विभागों को सूत्र विभाग के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि इसका संबंध इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति से होता है जिसके खातिर ही सरकार संगठित होती है और इन बड़े बड़े विभागों का संगठन सरकार के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होती है और ये सूत्र विभाग लोगों के लिए सेवा सुनिश्चित करते हैं और उनके आचार व्यवहार के मानक निर्धारण करते हैं और प्रतिरक्षा, विदेश, रेलवे मंत्रालय आदि भारत सरकार के जो है वो महत्वपूर्ण सूत्र विभाग हैं। परंतु मुख्य कार्यपालिका का कार्यपालिका या मुख्य निष्पादक जिसका कि मुख्य संबंध सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने से होता है स्वयं ही तमाम कार्यों को संपादित नहीं करता है बल्कि उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है और अलग अलग अधिकारी तथा इकाई जो कि मुख्य निष्पादक या मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को पूरा करने में उसको सहायता करते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं, उन्हें स्टाफ अभिकरण जो है वो कहा जाता है या स्टाफ अधिकारी के नाम से वे लोग जाने जाते हैं। स्टाफ की अवधारणा जो है वो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये अवधारणा जो है सैनिक प्रशासन से ली गई और अब तो यह अवधारणा जो है असैनिक प्रशासन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है और स्टाफ का मतलब है कि वह जिस पर निर्भर रहा जा सके अथवा जिसके सहयोग से समस्याओं के निदान जो है वो संभव हो सके। जिस प्रकार अक्षम व्यक्ति के लिए एक लाठी सहारा बनती है ठीक उसी प्रकार एक सक्षम व्यक्ति को भी वही सहायता प्रदान करती है वैसी ही स्थिति इन विशिष्ट इकाइयों की होती है चाहे वो लाइन हो या स्टाफ हो। तो जब सरकार के कार्यों को सूत्र और स्टाफ के बीच में विभाजित किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि स्टाफ के व्यक्तियों का मुख्य संबंध योजना बनाने तथा कार्यों को समझने से है और सूत्र कर्मचारियों का मुख्य संबंध उन कार्यों को असली जामा पहनाने से है, मतलब उनको क्रियान्वित करने से है। चूँकि सूत्र कर्मचारी कार्यों को लागू करने से संबंधित रहते हैं इसलिए वे आदेश देते हैं परंतु स्टाफ का मुख्य संबंध विषय की जानकारी लेना, तथ्य से अवगत होना, योजना बनाना तथा सूत्र अधिकारियों की सलाह देने से होती है। स्पष्ट है कि स्टाफ आदेश जारी नहीं करता बल्कि यह नियोजन जैसे कार्यों का संपादन करता है और इस तरह से जो है सरकारी विभागों में सरकारी जो कार्य होते हैं और जो भी जिस वर्ग के द्वारा जो वर्ग का संबंध नीति संबंधी कार्यों से होता है उसे हम सूत्र अथवा लाइन अभिकरण कहते हैं और इस कार्य में
केवल मंत्रणा आदि देने की सहायता करना या उसे मंत्रणा या स्टाफ अभिकरण भी कहते हैं। और इस तरह से जो प्रशासन कार्यों में सहायता पहुंचाने वाला एक अन्य अभिकरण भी होता है जिसे हम एक्जिलरी सहायक अभिकरण भी कहते हैं। और यह अभिकरण सभी विभागों में एक जैसे कार्य संपन्न करवाता है और कुछ लेखकों ने इसे स्टाफ अभिकरण का ही एक अंग माना है, तथापि साइमन और कुछ विद्वान ने इसे पृथक अभिकरण के रूप में भी मानते हैं। लाइन और स्टाफ शब्द को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सैनिक प्रशासन की शब्दावली से ग्रहण किया गया है, और सेना में दो प्रकार की इकाइयां होती हैं, सूत्र और लाइन इकाई, लाइन यूनिट्स एंड स्टाफ यूनिट। और स्टाफ अभिकरण का मुख्य कार्य परामर्श देना होता है, परामर्श और सहायता देना होता है। जिस प्रकार एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति वृहद व्यक्ति के लिए लाठी सहारा होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो स्टाफ हैं, ये जो लाइन है, ये दोनों जो है किसी भी विभाग को चलाने में वही भूमिका जो है वो अदा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सूत्र और स्टाफ एजेंसी जो होती है उनके बीच अंतर क्या है, उनको हम विभेदित कैसे करेंगे। वैसे तो हमने जो इसकी परिभाषा को समझा उससे बहुत कुछ क्लियर है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, लेकिन हम लोग इसको फिर से देखेंगे कि ये जो सूत्र और स्टाफ है उसमें क्या अंतर है। तो इसमें कोई भी मत नहीं है कि स्टाफ की आवश्यकता तथा उपयोगिता ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी यह दो प्रकार के कार्यों को पूरा नहीं कर सकती। जैसे कि पहला जो कार्य है वो है कि यह स्वयं आदेश नहीं दे सकता, बल्कि आदेश देना प्रशासक या सूत्र का विभाग का काम होता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य जो स्टाफ नहीं कर सकता वो है कि यह नीतियों को स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि उनके निर्माण के में केवल सहायता कर सकता है। यह केवल योजना का निर्माण करता है, सलाह सुझाव और सहायता देता है, तथा सूत्र विभागों के कार्यों के संपादन के लिए तैयार करता है। यह विदेशी कार्यालयों और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विदेशों में दूतावास जो है वो बनाता है, या राजदूतावास जो है वो बनाता है, और कौंसिल्स वार्स जिसको की स्थापना करता है, और जो इसके सूत्र कार्य के अंतर्गत आते हैं। सूत्र और स्टाफ के मध्य एक अंतर को जो है एक इस सूत्र और स्टाफ के मध्य इस अंतर को एक का काम केवल कार्य करना है, तो दूसरे का कार्य क्या करना है, सलाह देना होता है। को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति जो है ऑर्डर देता है और दूसरा जो है उसको उसका अनुसरण करता है, उसका अनुपालन करता है। और इस तरह से स्टाफ या सूत्र के वर्गों में पूर्ण रूपेण से विभाजित इसको नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी संगठन में सूत्र एवं स्टाफ का काम पूरा किया जाता है। सूत्र एवं स्टाफ का काम पूरा होता है, और किसी भी व्यक्ति को संगठन में हमेशा ऐसी अलग इकाई या स्टाफ नहीं मिलता है जो इन दोनों प्रकार के कार्यों को अलग अलग जुड़े हों, इन दोनों कार्यों से अलग अलग जुड़े हों। यह धारणा है कि स्टाफ विभाग सूत्र विभाग से अलग तथा विभिन्न है पुराने समय की बात है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा कई बार होता है कि स्टाफ इकाई को सूत्र विभाग के भीतर ही स्थापित किया कर दिया जाता है और सूत्र विभाग में एक स्टाफ अधिकारी की भूमिका केवल सूचनाओं को जमा करना ही नहीं होता, बल्कि वह सूत्र अधिकारी के फैसलों के तरीकों को भी प्रभावित करने में सक्रिय रहता है। अतः सूत्र और स्टाफ के बीच विभाजक रेखा आज के युग में संभव नहीं है। अतः लोक प्रशासन के छात्रों को इसमें सजग रहना चाहिए। यह महसूस किया गया है कि स्टाफ का कार्य सिर्फ सलाह देना ही नहीं, बल्कि वह नीतियों को प्रभावी बनाने के कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान देता है। स्टाफ एवं सूत्र के माध्यम से आपसी संबंधों के सवाल
पर मत सवाल पर मत विभाजन की स्थिति पाई जाती है। और इस बारे में सत्य तो यह है कि स्टाफ को किसी भी प्रकार का प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलता है, बल्कि यह तो केवल प्रशासकों को अपनी राय देता है। और इसी विषय में अन्य मत यह भी है कि स्टाफ विभिन्न मामलों के संपादन हेतु सलाह देते समय उसकी क्रियाओं के सीमित क्षेत्र का उत्तरदायित्व भी उसके पास होता है। और अर्नेस्ट डेल एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है उनके शब्दों में, कम से कम निम्नलिखित 5 परिस्थितियों में स्टाफ आदेश दे सकता है या समुचित प्रशासकों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। और वो जो 5 उन्होंने इसको बताया है अर्नेस्ट डेल ने, तो उसमें पहला जो है कि पद के द्वारा आदेश देना, कमांड थ्रू पोजीशन। दूसरा जो है अनुमति द्वारा आदेश देना, कमांड थ्रू सेंसेशन। और तीसरा है तकनीकी क्षमता, टेक्निकल कॉम्पिटेंस जो होता है टेक्निकल कॉम्पिटेंस। और चौथा है विचारों को अच्छी तरह व्यक्त करना, जिसके अंतर्गत सुपीरियर आर्टिकुलेशन जो है वो है। और पांचवा है भूल चूक की स्थिति में आदेश देना, कमांड बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये जो 5 स्थितियों में जो है स्टाफ भी जो है वो सूत्र को आदेश दे सकता है या उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। स्टाफ के प्रकार, अब हम लोग देखते हैं कि स्टाफ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे स्टाफ होते हैं। क्योंकि स्टाफ और सूत्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो होते हैं, और स्टाफ का कार्य जो है सूत्र को हर तरह से सहयोग देना है, ताकि जो है वह कार्यों का को अच्छे ढंग से संपादित कर सके। तो सूत्र और स्टाफ के मध्य अंतर पर अध्ययन करने के बाद अब हम लोग अलग अलग किस्मों पर अध्ययन करेंगे और इसके अलग अलग जो स्टाफ के प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। और उनमें सामान्य सहायक जो होते हैं स्टाफ वो क्या हैं, तकनीकी स्टाफ क्या हैं वो क्या हैं, टेक्निकल या एक्जिलरी जिसको स्टाफ कहते हैं वो सब क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो विभाग को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट को विभाग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात सामान्य स्टाफ, जनरल स्टाफ जिसको कहते हैं, दूसरा तकनीकी स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, और तीसरा सहायक स्टाफ या एक्जिलरी स्टाफ। ये 3 प्रकार से किसी भी स्टाफ विभाग को 3 भागों में बांटा जाता है। स्टाफ, अब हम देखते हैं कि जो और इस तरह से इन 3 प्रकार के स्टाफों के बीच का अंतर जो है वो सूत्र और स्टाफ के बीच विभिन्नताओं को दर्शाने में हेल्प करती है, मदद करती है। अब हम देखेंगे सामान्य स्टाफ क्या हैं, जनरल स्टाफ। तो सामान्य स्टाफ अक्सर मुख्य कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्यों को संपादन करने में उसकी मदद करते हैं, या सलाह देने के साथ साथ तथ्यों को जमा करना तथा मामलों महत्वपूर्ण मामले को प्रमुख मुख्य निष्पादनकर्ता के सामने फैसलों के लिए रखना, यह आवश्यक बातों को खत्म कर सही तथ्य, अनावश्यक जो बातें होती हैं उनको खत्म कर सही तथ्य को मुख्य निष्पादन के सामने पेश करता है, ताकि उसके समय और शक्ति को बचाया जा सके। भारत में मुख्य कार्यपालिका का स्टाफ, जो सामान्य स्टाफ जो होता है वो उसको हम देख सकते हैं। इसको समझने के लिए अगर हम भारत में जो मुख्य कार्यपालिका है उसके स्टाफ की चर्चा करें, जिसमें सामान्य जो स्टाफ होते हैं, जैसे पहला मंत्री परिषद का सचिवालय, दूसरा प्रधानमंत्री का सचिवालय, तीसरा गृह मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता विभाग, चौथा वित्त मंत्रालय में बजट तथा आर्थिक मामलों का विभाग जो बजट संबंधी कार्यों में मुख्य कार्यपालिका की मदद करता है, पांचवा मंत्री परिषद या समितियां, और छठा योजना आयोग। तो ये सारे जो हैं वो भारत में एक सामान्य स्टाफ के उदाहरण हैं। अपने काम को सच्चाई और कुशलता के साथ सही रूप में पूरा करने के लिए सामान्य स्टाफ के कुछ गुण भी होते हैं, और जिन्हें हम
निम्न रूपों में देख सकते हैं इन सामान्य स्टाफ के गुणों को। उसमें पहला जो इनका गुण है कि इनमें सहयोग करने तथा मामलों पर सही ढंग से बातचीत चलाने एवं उन पर सही विचार करने का गुण होना चाहिए इन लोगों में जो सामान्य स्टाफ हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि उन्हें उनमें सभी मामलों पर सही जानकारी या उनमें सामान्य जानकारी की योग्यता जरूरी होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है उनमें सहनशीलता तथा स्मरण वाले गुण होने चाहिए ताकि वे तथ्यों का सही संग्रह संग्रहण सही उनका सही ढंग से जांच के बाद उन्हें फैसलों के लिए मुख्य निष्पादक के सामने रखने जैसे कठिन कार्य सरलता से वो कर सकें। इसके बाद है कि अनेक जटिल मामलों पर उन्हें पूरी जानकारी तथा समझ बूझ रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उन मामलों के विशेषज्ञ होंगे। अगला जो इनका इनकी जो गुण होते हैं विशेषता होती है कि उनके अंदर हमेशा ऊंचे बनने या आकाश में उड़ने जैसे ख्वाब नहीं होने चाहिए। मतलब रियलिटी जो है उनके से उसमें उनका वो ओतप्रोत होने चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सहायक स्टाफ की, जिसको हम सभी सबने सामान्य स्टाफ का अध्ययन किया और उनके गुणों का अध्ययन किया और भारत में सामान्य जो स्टाफ हैं उनके क्या एग्जाम्पल हैं ये सब को हम लोगों ने देखा। अब है कि सहायक स्टाफ क्या हैं, एक्सिलरी स्टाफ जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। प्रत्येक विभाग को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ कार्यों को संपन्न करना पड़ता है, जैसे रेल विभाग को माल के यातायात या यात्रियों के आवागमन हेतु रेलगाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं। रेलवे विभाग के ये कार्य मुख्य कार्य हैं क्योंकि इन्हीं कार्यों को संपादित करने के लिए तो इनका निर्माण होता है, परंतु रेलवे विभाग को इन मुख्य कार्यों के बाद भी कुछ अन्य कार्यों का संपादित करना पड़ता है, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, रेल की पटरियां बिछाना, नवीन स्टेशनों का निर्माण करना, मरम्मत संबंधी कार्य अथवा अन्य कार्य, और इन सभी कार्य जो है वो को गृह प्रबंधन अथवा सहायक सेवाओं द्वारा हाउसकीपिंग और एक्सिलरी सर्विस की संज्ञा दी गई है, और ये सेवाएं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संपन्न की जाती हैं जिनके लिए विभाग कायम किए जाते हैं, और ये क्रियाएं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी सहायक होती हैं। और प्रत्येक विभाग अपने गृह प्रबंध कार्य जो हाउसकीपिंग वर्क कर सकता है, यानी अपने स्वयं का सहायक कार्य एक्सिलरी वर्क को संपादित कर सकता है। और यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विभाग अपने कर्मचारियों की भर्ती रिक्रूटमेंट जब करता है, अभिकरण तथा क्रय संबंधी कार्य क्रय अभिकरण परचिंग एजेंसी के द्वारा करा सकते हैं, और यही इनके सहायक स्टाफ होते हैं या कहे जाते हैं या समझे जाते हैं। हमारे देश में कुछ सहायक अभिकरण हैं जैसे कि लोक सेवा आयोग, प्रेस विभाग, लेखा एवं लेखा परीक्षक इत्यादि जो हैं, ये हमारे देश में कुछ सहायक अभिकरण के एग्जाम्पल हैं। और ये सहायक अभिकरण में प्रशासन के प्राथमिक अभिकरण नहीं होते हैं, और ये अभिकरण प्रशासनिक विभागों के सहायक एवं पूरक होते हैं। और एलडी वाइट ने कहा है कि ये सूत्र अभिकरणों की सेवा करते हैं, ये आवश्यक सामान्य कार्यों को संपन्न कराने, उन्हें सहायता पहुंचाने जैसे माल तथा सामग्री खरीदकर, सरकारी मुद्रण के ठेके लेकर, वास्तविक संपदा खरीदकर तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों को भी कराने में सहायता करते हैं। और कभी कभी स्टाफ तथा सहायक क्रियाएं जो होती हैं एक्सिलरी एक्टिविटीज़ जो हैं के बीच अंतर किया जाता है, और यह कहा जाता है कि स्टाफ क्रिया परामर्श देने वाली क्रिया है, जबकि सहायक अभिकरण बजट कर्मचारी वर्ग तथा नियोजन मतलब पर्सनल प्लानिंग आदि से संबंधित जो सेवाएं होती हैं उनको जो है वो संपन्न कराते हैं। स्टाफ संगठन के नीति संबंधी मामलों में भी संबद्धता होता है,
और यह नीतियों को पुनः निर्धारित करने में या इनको पुनः निर्धारित करने में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जो भी ये संकेत देते हैं, बल्कि बदलाव के जो भी संकेत दे सकते हैं या होते हैं, सहायक अभिकरणों का संबंध किसी भी वर्तमान संगठन को केवल कायम रखने से होता है। सहायक सेवाएं एक्जिलरी सर्विसेस चालित अभिकरण होती हैं तथा ये कुछ सर्वमान्य कार्यों का संपादन करती है। शुद्ध स्टाफ क्रिया तो परामर्श देने वाली क्रिया होती है, जबकि सहायक अभिकरण विभागों के लिए खरीद एवं भर्ती करने की जैसी कुछ सेवाएं भी संपन्न करती हैं। और दोनों इकाइयां केंद्रीय अभिकरणों तथा सूत्र विभागों के कार्यों को सुविधाजनक बनाती हैं। तो इस तरह से देखिए तो सहायक स्टाफ जो है, जो इन सब काम के अलावा, जो सामान्य स्टाफ के काम हैं उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि नियोजन से संबंधित, परचेजिंग से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो करने होते हैं, जिसको हम ठेके पर देकर या उसको और अलग रिसोर्सेस से उसको पूरा करते हैं, तो उसी को हम लोग जो है एक्जिलरी या सहायक स्टाफ के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक इसका और प्रकार है जिसको हम लोग तकनीकी स्टाफ कहते हैं, टेक्निकल स्टाफ। ये क्या होते हैं? तो मुख्य निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका को प्रशासन के अनेक विशिष्ट प्रौद्योगिक जो है वो अथवा तकनीकी मामलों को संपादित कराना पड़ता है। अतः मुख्य निष्पादक कुछ तकनीकी स्टाफ अधिकारियों को भी अपने पास रखते हैं, जैसे कि इंजीनियर, वित्तीय विशेषज्ञ इत्यादि, जो तकनीकी मामलों पर उन्हें राय देते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ मुख्य निष्पादक होते हैं उनकी सहायता करते हैं और उनकी सलाह इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुमूल्य सिद्ध होती है, जिसके वे विशेषज्ञ होते हैं, किसी खास विषय के विशेषज्ञ होते हैं इसके अंतर्गत। और वर्तमान में जबकि अनुक्षेत्रों में तथा विज्ञान जनित आविष्कारों में के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति हो रही है और मुख्य निष्पादक को इन समस्याओं के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए कि और केवल ऐसा होने पर ही वह किसी भी नीति को लेकर आगे बढ़ सकता है। अतः आधुनिक युग में मुख्य निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका के लिए तकनीकी स्टाफ की अत्यधिक आवश्यकता होती है और विशेषज्ञता प्राप्त स्टाफ में दो मुख्य विशेषता होती है। पहला, संगठन के अन्य भागों पर इसे कोई सत्ता सौंपी नहीं जाती है। ये जो स्पेशलाइज्ड जो होते हैं एजेंसी, उन पर जो है कोई जो है दूसरे के द्वारा कोई सत्ता नहीं थोपी जाती है या प्राप्त नहीं होती है। और विशेषज्ञ स्टाफ सलाह लेता है तथा सेवा करता है और यह आदेश या निर्देश नहीं देता है। द्वितीय, इसका उपयोग संगठन की सभी सूत्र तथा स्टाफ इकाइयों द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई एक ही आदमी जो है उसको देख सकता है और लोग नहीं देखते। तकनीकी स्टाफ का मतलब है कि वो अपने विषय के स्पेशलिस्ट रहते हैं और स्पेशलिस्ट होने के नाते जो है ये जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और इस तरह से अगर आप देखें तो एक तरह से संगठन को चलाने में, उनको अच्छे तरह से काम करने में जो है इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग संगठन के सूत्र जितने भी स्टाफ इकाइयां हैं उन सब के द्वारा जो है वो किया जाता है। और इस तरह से लोक प्रशासन के प्रारंभिक लेखकों में के अग्रणी जो हैं बिलोबी का मत है कि प्रशासकीय कार्यों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं और ये है प्राथमिक कार्य और संस्थागत कार्य या गृहपालक या गृह संबंधी कार्य। और बिलोबी ने जिन क्रियाओं को प्राथमिक क्रियात्मक बताए हैं वे क्रियाएं लाइन अभिकरणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं
और लाइन अभिकरणों का संबंध नीतियों के निर्माण से होता है। किसी भी देश की सरकारी प्रशासन अनेक बड़ी इकाइयों में विभक्त होता है और जिन्हें विभाग कहते हैं, और ये विभाग लाइन या सूत्र विभाग के नाम से जाने जाते हैं। और विभागों के अतिरिक्त नियामक आयोग भी होते हैं, रेगुलेटरी कमीशन्स भी होते हैं, और लोक निगम भी होते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन भी होते हैं, भी प्रधान सूत्र अभिकरण होते हैं। स्टाफ तथा लाइन संगठनों के बीच अनेक कारण से जो है कभी कभी असंतोष, अशांति, संघर्ष एवं मनमुटाव जो है वो पैदा हो जाता है संगठन के अंतर्गत। और जब यह पैदा होता है तो तत्व संगत जो तत्व संघर्ष की वृद्धि में यह सहायक होते हैं। और यह उम्र में अंतर, स्तरों पर पद सोपान, विभिन्न सामाजिक स्तर पर स्टाफ कर्मचारियों का स्तर समूह तथा पदोन्नति की समस्या आदि जो है इसके मुख्य कारण हैं। अमेरिकी जो सामाजिक सुरक्षा अभिकरण को 1936 में जब FSA को स्थानांतरित कर दिया गया तो उसके निर्णय के अनेक क्षेत्र स्टाफ संगठन को हस्तांतरित कर दिए गए थे, और फिर भी इसे आज तक सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी समझा जाता है। स्टाफ के उपयोग को व्यवसाय में लाने का श्रेय वैज्ञानिक प्रबंध के जनक FW टेलर को जाता है, और इन्होंने प्रबंध के क्रियात्मक विशिष्टीकरण पर जोर दिया, फंक्शनल स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया, और निर्देश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड प्रबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और लेकिन इस संगठन प्रणाली के अंतर्गत इसकी उपेक्षा की जाती है क्योंकि अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित करना कठिन हो जाता है। प्रशासन का कार्य प्रधानतः सूत्र अभिकरण ही करते हैं। मुख्य सूत्र अभिकरण या इकाइयां, विभाग, सार्वजनिक नियम और नियामक आयोग जो है आदि करते हैं। बनावट की दृष्टि से विभागों को एकात्मक और संघात्मक दो भागों में बांटा जा सकता है। और एकात्मक विभाग वह है जिसका संगठन एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है, जैसे कि शिक्षा, पुलिस आदि। संघात्मक विभाग वे विभाग होते हैं जो कई प्रकार के कार्य संपन्न करने वाले संभागों से मिलकर बनता है, और इन सभी के कार्यों की प्रकृति अलग अलग होती है, और इसलिए विभाग का अध्यक्ष उन सभी का विशेषज्ञ नहीं होता, और ऐसी स्थिति में उप विभागों को जो है वो उसको भी रखने का कार्य किया जाता है और रखा जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर हम बात करें, तो जो ये जो स्टाफ और लाइन जो विभाग है या स्टाफ और जो सूत्र का संबंध है उसकी अगर हम चर्चा करें तो दोनों में अगर मतभेद को भुलाकर और एक तरह से काम किया जाए तो यह दोनों जो है काफ़ी उपयोगी हो सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोनों को एक दूसरे के समन्वय की ज़रूरत है, और साथ ही साथ समन्वय के साथ साथ जो है जो स्टाफ अभिकरण हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं और इनकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है, और इनका उनके काम के बारे में जैसा कि जो एक विचारक हैं मुने ने कहा है कि स्टाफ अभिकरण के कार्यों को तीन पहलू में हम बांट सकते हैं, जैसे कि सूचना संबंधी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव जिसको कहते हैं, दूसरा परामर्श संबंधी एडवाइजरी, और तीसरा पर्यवेक्षक संबंधी सुपरविजरी। तो तीन तरह के कार्य जो हैं ये स्टाफ जो है वो करते हैं। और उसी तरह से फिफनर ने, एलडी वाइट ने, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग जो है इसके बारे में, इसके कार्यों के बारे में जो है वो बताई है, चर्चा किया है। और एक तरह से अगर हम कहें तो भारत में जो ये जो है स्टाफ एंड लाइन एजेंसी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। और मुख्य कार्यकारिणी के अगर संदर्भ में बात करें तो स्टाफ और लाइन दोनों ही उपयोगी है और एक दूसरे की पूरक इकाइयाँ हैं। ठीक है,
जो है दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरक इकाइयां हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और दोनों में सौजन्यपूर्ण पारस्परिक संबंधों की अनिवार्यता स्वीकार की गई है, और कभी-कभी दोनों में कतिपय प्रसंगों को लेकर मतभेद पैदा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टाफ अधिकारी स्वयं को सूत्र अधिकारी ही समझने लगते हैं। स्टाफ के लोग कार्य संपादन का श्रेय स्वयं ले लेते हैं, लेने का प्रयास करते हैं, और सूत्र अधिकारी नए विचारों का विरोध करते हैं, और सूत्र अधिकारी स्टाफ को पर्याप्त सत्ता प्रदान नहीं करते। जिस प्रशासन में दोनों के समुचित तालमेल को बैठा लिया जाता है और गतिरोध जो है वो उसको तो वहाँ पे जो है गतिरोध जो है वो कम होता है और काम जो है बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। बहुत सारी विभिन्नताओं के बावजूद, बहुत सारे जो अलग अलग विचार हैं उनके बावजूद, स्टाफ और लाइन जो हैं इन दोनों के मधुर संबंध मुख्य कार्यकारिणी जो होते हैं उसके व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जो मुख्य कार्यकारिणी होता है उसके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक निर्भर करता है, क्योंकि वही इन दोनों से ऊपर होता है, और इन दोनों में कोऑर्डिनेशन जो है अगर वह सही है उसका व्यक्तित्व, तो वह उसको समन्वय स्थापित कराने में काफ़ी उसको इसमें हेल्प मिलती है। और फिर भी लाइन तथा जो स्टाफ अभिकरण के बीच ठीक समायोजन बैठा पाना, जो बैठाया जाता है समायोजन, प्रबंधन के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। कभी कभी जो है काफ़ी मतभेद हो जाता है लाइन और स्टाफ के बीच, तो इन मतभेदों को कैसे कम किया जाए ये तो बहुत हद तक कुछ हद तक जो है जो मुख्य कार्यकारिणी होता है उस पर उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता ही है। और साथ ही साथ वह इन दोनों में जो प्रशासन के क्षेत्र में, चूंकि अलग अलग फील्ड में बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं जिसमें कई बार मतभेद उभर कर सामने आते हैं इन दोनों को लेकर, लेकिन फिर भी इन दोनों में अगर समायोजित करके इनको सही ढंग से संगठित करके अगर लेकर काम किया जाए तो वह किसी भी विभाग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, और इस तरह से विभाग जो है, विभाग का जो उद्देश्य है, मुख्य कार्यकारिणी का जो उद्देश्य है उनको पूरा करने में वह इन लोगों की मदद से काफ़ी इसमें मदद मिल सकती है। तो ये था लाइन और स्टाफ एजेंसी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि लाइन और स्टाफ एजेंसियां संगठन में इनका क्या महत्वपूर्ण रोल होता है, एक संगठन के भीतर लाइन का क्या काम है, स्टाफ का क्या काम है, और इनके क्या डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि स्टाफ जो एजेंसियां होती हैं वो कई तरह की होती हैं, एक्सलरी या टेक्निकल, बहुत सारे तरह के, या जनरल, तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार इसके होते हैं, और हर का अपना अपना एक अलग अलग कार्य होता है, अपना अपना कार्यों का कि में एक्सपर्ट होते हैं, और इस तरह से ये लाइन और स्टाफ दोनों जो हैं मिलकर किसी भी विभाग के कार्यों को सही ढंग से संपादित करने में तथा उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में, उस विभाग को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो आज था हमारा आज का था हमारा ये क्लास। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रश्न रखें ताकि हम लोग नेक्स्ट डे जो है उसकी चर्चा कर सकें। आज का हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।